प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज आपकी प्यारी शिखा मैम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के एक नए पाठ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 9 इतने ऊंचे उठो। देखिए, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद के धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में, ज्वालाओं से जग जलते जग में। इतने शीतल बहो के जितना मलय पवन है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में, युग की नई मूर्ति रचना में। इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गत जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में, धारा के शाश्वत प्रवाह में। इतने गत में बनो के जितना परिवर्तन है। इतने ऊंचे उठो के जितना उठा गगन है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। दो कुरूप को रूप सलोना, दो कुरूप को रूप सलोना। इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इतने सुंदर ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। तो बच्चों, अच्छी लगी ना कविता आपको? तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें दिया है, बच्चों को बताया गया है कि बच्चों को इतना ऊंचा उठना चाहिए, हमें इतना ऊंचा उठना चाहिए जितना कि गगन है। और हमें पूरी दुनिया को, दुनिया को यानी कि दुनिया में जितने भी जाति के लोग रहते हैं, रंग चाहे कैसा भी हो, किसी का काला है, किसी का गोरा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई भी हो, लेकिन हमको सबको एक ही दृष्टि से, एक ही भाव दृष्टि से देखना चाहिए। और हमें ऐसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए जैसे कि ठंडी हवा होती है। जब ठंडी हवा चलती है तो वो हमें कितनी सुकून पहुँचाती है, कितना आनंद देती है। तो हमें भी सबको एक भाव से देखना है, कभी किसी में भेदभाव नहीं करना है, और उसी तरह से अपने स्वभाव को भी ठंडा और निर्मल बनाना है। अब देखिए, नई वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्र रंग उभारो, यानी कि हमें अपना जीवन, अपना जो वर्तमान है वो हमें खुद से बनाना है। और अपने आप को ऐसे उभारना है जैसे जब हम ड्राइंग करते हैं, कला बनाते हैं, तो ब्रश से हम जो चित्र उभारते हैं, तो हमें भी खुद को वैसे ही भी उभारना है और एक बहुत अच्छा सा अपना स्वयं का भविष्य बनाना है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। तो इस वाले पैराग्राफ का होगा बच्चों कि हमें अपने अतीत से, अपने भूतकाल से जो हमारे, जो हमारा अतीत है, हमें उससे सिर्फ उतना ही लेना है जितना कि वो हमें ज़रूरत है। हमें जो हमारे साथ हो चुका है, जो अच्छा हुआ था, हमें सिर्फ उसको ही लेना है जो हमारे भविष्य में हमारे काम आएगा। और हमें सारा मोह त्याग देना है, कोई बंधन नहीं बांधना है, ना ही कहीं रुकना है, कोई चिंता नहीं करनी है अपनी गति, और हमेशा सत्य का साथ देना है। और हमें इतना गतिमान बढ़ना है
जितना कि जो हमारा वर्तमान है हम उसी के हिसाब से चलना है, उससे गति कम भी नहीं करनी है, नहीं तो हमारा जो लक्ष्य है वो पीछे रह जाएगा, और हमें वर्तमान की जो गति है उससे भी आगे नहीं जाना है, नहीं तो फिर हमारा जो लक्ष्य है वो डगमगा जाएगा, हमारी समझ भी नहीं आएगा हमें क्या करना है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, तो बच्चों इसका अर्थ है कि हम अपनी धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि अगर कहीं भी स्वर्ग हो तो उसे हम अपनी धरती पर ले आएं। तो जो हम चांद सूरज चांदनी तारे जो सब हैं वो हमारे साथ हैं, तो हमें इतना खुद को इतना निखारना है, खुद को इतना अच्छा बनाना है कि सब लोग हमें देखें और हमारे बारे में बात करें। जैसे कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं कि अरे वाह इसकी तो कला बहुत अच्छी है, इसने तो बहुत अच्छे से बनाई है। तो हमें भी अपने जीवन को खुद को इस तरीके से निखारना है, आकर्षित बनाना है कि लोग हमें देखें हमारे बारे में बात करें कि अरे हाँ ये बच्चा तो बहुत अच्छा है। तो बच्चों हमें जीवन में कभी रुकना नहीं है और हमेशा गतिमान रहना है, जो हमारा वर्तमान जिस गति से चल रहा है उसी ही गतिमान से हमें रहना है। तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको इस कविता को और इसमें आए हुए कठिन शब्द और शब्दार्थ को आपको अपनी कार्य पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में लिखना है और याद करना है। और बच्चों इस कविता को जैसे मैम ने आपको गा के सुनाया है बिल्कुल ऐसे ही आपको इस कविता को याद करके और उसकी एक वीडियो बना के व्हाट्सएप ग्रुप पर, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको सेंड करना है और आपकी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है बेटा।